हेलो गाइस, तो आज हम करने वाले हैं कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख ही सकते हो। तो ये वाला एडिटिंग आपको मालूम ही होगा कि कल गांधी जयंती है, और अगर आपको कुछ सेम टू सेम इसी तरह से फोटो एडिटिंग सीखना है तो मैं यहाँ पे वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो आपको क्या करना है, ये वाला वीडियो को देखना है बिल्कुल लास्ट तक, बिना स्किप करे, तभी आप ये वाला फोटो एडिटिंग सीख पाओगे, ठीक है। और इस वीडियो का एक लाइक कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकि इसी तरह के बहुत सारे वीडियोस अभी फ्यूचर में आने वाले हैं। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे आपको आईडी मिल जाएगा। और चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फोटो को एडिट करने के लिए आपको ये वाला बैकग्राउंड को पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ऐड कर लेना है, और जो भी बैकग्राउंड पीएनजी का इस्तेमाल करूँगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, वीडियो देखने के बाद। तो सबसे पहले आपको ऐड फोटो के ऊपर चले जाना है और ये वाला जो इमेज है इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे लेफ्ट साइड में लगाएंगे फोटो के, कुछ इस तरह से जूम करके इधर, ठीक है। इसके बाद हम जो एरेज वाला आइकॉन है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ से एरेज वाला को सिलेक्ट कर देंगे, और इसका जो हार्डनेस है हम इसको 0 पे रख देंगे, ठीक है। और इसका साइज़ को इतना रखता हूँ 40, और हम कुछ इस तरह से नीचे से इस तरह से एरेज करेंगे ताकि जो फोटो के लाइन्स है वो हट जाए, ठीक है। तो मैं जैसा कर रहा हूँ आपको सेम टू सेम इसी तरह से करना है। तो मैंने यहाँ पे कर लिया, यहाँ से कर लेता हूँ डन। इसके बाद इसका जो ओपेसिटी है 65 रख लेना है, ठीक है, फोटो के, और यहाँ से मैं इसे कर देता हूँ डन। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें चले जाना है फिर से ऐड फोटो के ऊपर, और हमारा जो यहाँ पे ये वाला पीएनजी है फ्लैग वाला उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से जूम करके फोटो के राइट साइड लगाएंगे, तो मैं यहाँ पे अच्छे से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे, एरेज वाला आइकन पे जाएंगे और जो यहाँ पे नीचे वाला पार्ट है उसके हार्डनेस को इतना रख के साइज से इस तरह से एरेज करेंगे, ठीक है, और यहाँ से कर देंगे डन। इसके बाद इसके ओपेसिटी को हम 90 के आसपास रखेंगे ताकि ये फोटो ऐसा लगा कि दूर है थोड़ा सा, ठीक है, और मैं यहाँ से कर देता हूँ डन। इसके बाद हम एक और पीएनजी को ऐड करेंगे, तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और हमें इस तरह से इसको वहीं पर लगा देना है दोनों फोटो के बीच में जूम करके, और इसका जो ओपेसिटी है इसको कम करेंगे, ठीक है। इससे पहले इस तरह से हार्डनेस और साइज़ को बढ़ा के इसके भी जो लाइन्स है उसको एरेज कर लेंगे। तो ये अगर इसके बाद हमें जो ओपेसिटी है उसको कम करना है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एरेज कर लिया। इसके बाद इसके ओपेसिटी को हम रखेंगे 70 के आसपास, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर लेता हूँ और इसके ओपेसिटी को कम करके, इसके बाद हम फिर से ऐड फोटो के ऊपर जाएंगे और ये वाले पीएनजी को ऐड कर लेंगे, ठीक है, टेक्स्ट पीएनजी को, और कुछ इस तरह से छोटा करके ऊपर के साइड लगाएंगे और यहाँ से इसे कर देंगे डन। इसके बाद हमें जाना है फिर से ऐड फोटो के ऊपर और हमारा जो मॉडल का फोटो है उसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैंने इस फोटो को ऑलरेडी कटआउट कर लिया है, अगर आपको कटआउट करना ठीक से नहीं आता है तो उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो वीडियो को। तो मैं कुछ इस तरह से नीचे के साइड यहाँ पर फोटो को पहले एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारा हो गया फोटो एडजस्ट, इसके बाद हम यहाँ से कर देंगे इसे डन। इसके बाद हमें फिर से जाना है ऐड फोटो के ऊपर और यहाँ से ये वाला जो पीएनजी है इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, ये स्मोक पीएनजी को, और इसको हम फोटो के डाउन के साइड मतलब नीचे लगाएंगे कुछ इस तरह से, और ये हो गया। इसके बाद इसके ओपेसिटी को हम रखेंगे इतना, ठीक है, इतना बस है। तो ये देख सकते हो मैंने यहाँ पे लगा दिया, यहाँ से मैं कर देता हूँ डन। इसके बाद हमें फिर से जाना है ऐड फोटो के ऊपर और लास्ट हमारा जो पीएनजी है इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, ये वाला पीएनजी को, और इसको हम क्रॉप पे जाके जो ऊपर वाला पार्ट है, सॉरी नीचे वाला पार्ट, उसको इस तरह से कट कर लेंगे और इसको हमारे मॉडल के साइड में लगाएंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे इसे लगा दिया, इसके ओपेसिटी को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। इसके बाद जो वही पीएनजी को आपको वापस सिलेक्ट करना है, लेकिन इस बार ऊपर के साइड को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये मैंने लिया, इसके बाद इसको जूम करके ऊपर की साइड लगा लेता हूँ और इसका जो साइज ओपेसिटी है उसको हम कम कर देंगे, ठीक है। तो ये ठीक लग रहा है, इसके बाद यहाँ से कर लेता हूँ डन। अभी हमारा जो फोटो है वो बैकग्राउंड के साथ मैच करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे टूल्स के ऊपर और एडजस्ट पे जाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर जाने के बाद जो इसका सैचुरेशन है हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे और जो टेम्परेचर है उसको भी बढ़ाएंगे ताकि ये फोटो मैच कर जाए येलो टोन के साथ। तो ये देख सकते हो बहुत अच्छे तरह से मैच हो रहा है, और हाईलाइट्स को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे और क्लैरिटी हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, फिर इसका जो यहाँ पे कॉन्स्ट्रैक्ट है, सॉरी हाँ कॉन्स्ट्रैक्ट को उसको कम करेंगे, ठीक है, और इसका जो शेडो है इसको इंक्रीज या डिक्रीज करके देख सकते हो जिस तरह से आपको चाहिए। तो मैं यहाँ पे माइनस पे रख रहा हूँ, यहाँ से कर देंगे डन। इसके बाद जो मेन काम आता है वो हमें क्या करना है, हमें चले जाना है ड्रॉ टूल के ऊपर
और ड्रॉ टूल के ऊपर जाने के बाद जो कलर है आपको ब्लैक सिलेक्ट करके कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देना है, ठीक है। और यहाँ से ट्रांसफॉर्म करके फोटो के नीचे साइड लगाना है, नीचे के साइड फोटो के। तो मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया, यहाँ से कर लेता हूँ डन। इसके बाद इसका जो ओपेसिटी है 30 रख लेना है, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड के साथ एकदम सही मैच हो जाएगा। इसके बाद हमें सेव कर लेना है फोटो को, तो इससे हमारा जो फोटो है गैलरी में सेव हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाला बेल आइकॉन को भी दबा देना इसी तरह के और फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल्स देखने के लिए। और कमेंट में भी आप बता सकते हो कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को एंड करते हैं।